हेलो लीडर्स, मैं आपको एक ऐसे लीडर से भी मिलाने जा रहा हूं जिनका पे आउट 20 लाख रुपए पर मंथ अब टच हो चुका है। कितने दिनों में सर? 27 महीनों में 20 लाख रुपए पर मंथ पे आउट टच हो चुका है ओके लाइफ केयर से। अब ऐसे लीडर से मिलाने जा रहा हूं, जरा समझते हैं इनकी सोच क्या है, इनकी धारणा क्या है, बातें किस तरह की करते हैं और क्या सोच रहे हैं, ये आगे की प्लानिंग क्या है, हमें सीखने को मिलने वाला है बहुत कुछ। तो लेट्स हियर ध्रुव ज्योति कश्यप फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसे सर ने बोला कि 20 लाख क्रॉस हो चुका है, तो 20 लाख इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर अस अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को देखें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को देख रहे हैं ना, वहाँ के जो टॉप अचीवर्स है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। उनके विजन के साथ को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और आप जिस भी कंपनी में हैं उनके कंपनी के आपके जो सीईओ है, डायरेक्टर है, उनके विजन के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर हम देखते हैं कि वी आर इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग किस तरह की ग्रोथ ले रही है, अगर आप इस चीज को देखेंगे आने वाला टाइम में जो होने वाला है ना, अगर आप यही चीज को समझ लो, आप समझो कि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, उस नेटवर्क में आपने एक करोड़ लोगों का टीम बना लिया। सिंपल इस चीज को कनेक्ट करो, आज नहीं, आज से आपने काम स्टार्ट किया, यू हैव पुट द सीड, उसको बढ़िया से प्लान किया, राइट, प्रोटेक्शन दिया, और 2030 समझो आप, 2030 आपके दोनों साइट में 1-1 करोड़ लोग हैं। जस्ट इमेजिन दैट, राइट? घर के नीड्स के प्रोडक्ट, वेलनेस के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपके बास्केट में होंगे, वही लोग उसको बाई करेंगे, परचेस करेंगे अपने लिए। जस्ट इमेजिन, आई एम गिविंग जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं विजन के साथ, 1 करोड़ 1 करोड़ लोग 1,000 से 2,000 का भी सामान खरीदेंगे ना, कितने करोड़ का बिजनेस होगा, आप समझ सकते हैं सर। अच्छा ध्रुव सर, एक बात ये बताओ कि ऐसा कैसे लगता है कि आपको इतने सारे लोग कनेक्ट होने वाले हैं? बिकॉज इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारे मल्टी लेग के प्लान हैं, बहुत सारे प्लान हैं, तो आपको ओके लाइफ केयर ऐसा कैसे लग रहा है कि इतने सारे लोग कनेक्ट होने वाले ओके लाइफ केयर पे? जी हाँ सर, ओके लाइफ केयर में इसीलिए कनेक्ट होने जा रहे हैं क्योंकि ओके लाइफ केयर टुडे हैज कनेक्टेड विद द ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट से ऑलरेडी हम 135 करोड़ लोग एवरी मंथ चीजों को खरीद रहे हैं, और ओके लाइफ केयर ने वो प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है और बड़ा करने जा रहा है, जहां पे हमारे ट्रेडिशनल मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल किया जा रहा है, राइट? तो कोई बिजनेस करे या ना करे, लोग हमारे साथ एज ए कंज्यूमर जुड़ेगा, और हमें जैसे लीडर्स को क्या करना है, उन कंज्यूमर के नेटवर्क को बिल्ड करना है और बड़े करना है। और जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड हो चुका है सर, पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, इज रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ से लोगों का करियर बन रहा है और बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है, ये सभी को समझ में आ रहा है, और आप भी समझ लीजिए, आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। काइंडली कनेक्ट विद द लीडर जो आज आपके घर पे आगे कोई डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बता रहा है, समझिए, सीरियसली समझिए। विल नॉट ओनली चेंज आवर लाइफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास, राइट? सोसाइटी के लाइफ को भी हम चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने साथ हिंदुस्तान के लाइफ को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये टोटली कनेक्टेड है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं कुछ और लीडर से मिलाने वाला हूँ, और वेट, अब दूसरी बार मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ। हियर इज अ पर्सन जो इनका कहना नहीं है, बेसिकली सच भी है ये। ये जब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में थे तो इनके कुछ 2-3 ऊपर के अप्लाई इनको जानते थे, और कंपनी के मैनेजमेंट दूर दूर तक नहीं जानते थे। बट आज ओके लाइफ केयर में कितने महीनों सर? एक साल लगभग हो चुके हैं, और एक साल में इनको लगभग इंडिया की अच्छी अच्छी कंपनियों के मैनेजमेंट से लेकर के, एम्प्लॉई से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के, सभी जानने लग गए। ऐसा क्या हो गया ओके लाइफ केयर में 1 साल 12 महीने 13 महीने के आसपास ऐसा क्या हो गया? तो ही इज नन अदर देन आदित्य कॉल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा मौका दिया। एक्चुअली मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आपकी जब शुरुआत में जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, तो आपने बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाए थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दी थी, जिससे हम नोट्स बनाते थे, और वाकई में वो हेल्प करते थे प्रोस्पेक्टिंग के लिए। क्योंकि आज तक हमने एक ही चीज़ सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ओनली मोटिवेशन, कोई एजुकेशन नहीं, कोई स्किल्स नहीं। और सागर सर और बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे लीडर्स हैं,
वो मोटिवेशन नहीं, वो एक्चुअल में रियल में एजुकेशन और स्किल्स पे काम करते थे, उनमें से सागर सर एक हैं। तो थैंक यू सो मच सागर सर, आपने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया। नाउ द टाइम द ओके लाइफ केयर दोस्त, एक लगभग 3.5 साल पहले मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में आया था जिसका नाम है, एक अच्छी जानी मानी कंपनी थी, इंडिया की नामी कंपनी थी, नंबर वन भी उसे बोलते हैं, राइट। 3.5 से 4 साल मैंने काम किया, नो डाउट मैंने सीखा बहुत कुछ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, बात कैसे की जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से, बट 4 साल देने के बाद भी सफलता नहीं मिली। सफलता कमी देखिए दोस्त, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पुरानी कंपनी के जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे को बोलते थे आपसे नहीं हो पाएगा, है ना, आप सफल नहीं हो सकते, और बहुत सारे मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स भी बोलते थे आप सफल नहीं हो सकते। बट एक पेन था कि दोस्त 4 साल मैंने एक कंपनी को दिए, पैसे नहीं कमा पाए दोस्त, इनकम बताऊं तो 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने आता था, मैं दिखा भी ध्यान देना ये बात ध्यान देना मैं लाइव भी दिखा सकता हूं, अभी मैं अपना ट्रैवल फंड देख रहा था पुरानी कंपनी का, और कार फंड देख रहा था पुरानी कंपनी का, मैंने देखा तो मैंने पुरानी कंपनी में टोटल 3 साल में जो ट्रैवल फंड लिया वो लगभग 29 हज़ार रुपये लिया। टोटल इनकम क्या रही होगी 3 साल में लास्ट कंपनी? टोटल इनकम सर मुश्किल से 1.5 लाख से 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं थी। अच्छा, ये पुरानी कंपनी की बात कर रहे हैं, एक महीने का नहीं, 4 साल मिला करके तकरीबन 1 से 1.5 लाख का पे आउट, और यहाँ टोटल और यहाँ पर मंथली पे आउट एक महीने में, एक साल में कितना आ रहा है सर? लगभग एक साल में अगर पहले महीने की मैं चेक बताऊं तो लगभग 350 रुपए था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़े नेटवर्क करो, आपने टीम ले आए, सर मेरी कोई टीम नहीं थी। एक महीने का बताना, पहले महीने सर 350 रुपए था, कोई नहीं आया मेरे साथ, मैंने आगे काम करना शुरू करा, क्योंकि मुझे ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट पे भरोसा था, ओके लाइफ केयर के मैनेजमेंट पे भरोसा था, ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान पे भरोसा था। मुझे आज पता था कि आने वाला 1 साल बाद क्या होगा, आने वाला 5 साल बाद क्या होगा था। मैं डी के सारन सर को रियली मैं थैंकफुल हूँ उनका, उनके विजन से मैंने कनेक्ट हुआ और धीरे धीरे पे आउट बढ़ना शुरू हुआ, राइट। दूसरे महीने का 2000 रुपये आया सर, फिर लोगों ने मजाक बनाया यार गलत कंपनी फंस गए, फिर मेरे से ये भी बोला आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, मेरा माइंड डाइवर्ट करने की पूरी प्लानिंग और कोशिश की गई। और महीने दर महीने क्या क्या रहा, बढ़ता रहा? उसके बाद और बड़ा 30 हज़ार हुआ, फिर लोगों ने बोलना, फिर और तेज बोला, फिर उसके बाद 1,18,000, फिर बोलना बंद कर दिया, फिर फोन उठाने बंद कर दिए, लेकिन मैं लगा रहा, मैं जो आगे बढ़ना था, मुझे कामयाब होना था। फिर उसके बाद 2,70,000, 2,80,000 लॉकडाउन में आया, उसके बाद सीधे सीधे 3,26,000, फिर 5,45,000, फिर 6,26,000, फिर पिछले महीने का जो पे आउट आया लगभग 6.5 लाख आया है, 6.5 लाख रुपए पर मंथ 1 साल के अंदर। और पिछली कंपनी में मंथली जैसा इन्होंने बताया 8-10 हज़ार रहता था, पूरे 4 साल में 1.5 लाख कमाया होगा और यहाँ पर 6.5 लाख पर मंथ। दिस इज पावर ऑफ सिस्टम सर। अभी तक तो अगर टोटल इनकम बताऊँ तो मैं अभी बता सकता हूँ लगभग 40-45 लाख से ऊपर मैं अभी तक 1 साल में कमा चुका हूँ। 1 साल में ओके लाइफ केयर से 40-45 लाख कमा चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग को लग रहा होगा या कुछ लोग सोचते होंगे कि लीडर में दम है तो वो कमा रहा है। सर, लीडर में दम है ये बात सही है, लेकिन यही लीडर कहीं और भी था। यही लीडर कहीं और भी था, वहाँ क्यों नहीं कमा रहा था और यहाँ आकर के क्या क्या ऐसा हो गया जो कमाने लग गया? तो एक चीज़ समझिए सर, आपका बीज अगर कितना भी बढ़िया हो, लैंड फर्टाइल नहीं है तो वो बीज यूजलेस डेड होने वाला है। बट अगर लैंड फर्टाइल है तो सर बीज थोड़ा कमजोर भी है तो पनप जाता है। एक लाइन में बोलना चाहूंगा सिंपल सा, इस बात से आप कनेक्ट कर लेना, आपका भी पेआउट 6-7 लाख रुपए पहुंच जाएगा। पहले मैं तेल निकाल रहा था, पता है कहाँ से? ध्यान सुनना, पहले मैं जो तेल है पेट्रोल पहले मैं तेल निकाल रहा था राजस्थान से, राइट। मुझे डी के सर ने बताया भाई राजस्थान से तो तेल निकलेगा ही नहीं, यहाँ से तो तेल निकलना ही नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि यहाँ से नहीं निकलेगा, मैं सीधे सीधे लैंड करा, मैं सऊदी अरब गया, वहाँ से मैंने तेल निकालना शुरू करा और वहाँ से 1 साल में तेल निकाले। आपका प्लेटफॉर्म अगर सही है, आपका प्लेटफॉर्म में नियत है, आपके प्रोडक्ट सही है, आपका मार्केटिंग प्लान सही है, आपके अंदर छोटा थोड़ा सा भी टैलेंट है ना, वो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच आदित्य सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं आपको कुछ और लोगों से मिलाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबसे मिलाता हूँ, अभी फ्रंट कैमरा है। और आज मीटिंग में बेसिकली एक चीज़ मुझे समझ में आई कि यहाँ पर जितने भी टॉप लीडर हैं और 1 साल पुराने हो चुके हैं या 1.5 साल पुराने हो चुके हैं, अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं अपनी लाइफ का, तो उनमें से एक एक करके मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। इधर से शुरू करते हैं, राम कृपाल सर।
14 साल का एक्सपीरियंस ना, हाँ 14 साल का इनका एमएलएम एक्सपीरियंस है, और ओनली आरसीएम, एमएलएम नहीं, एमएलएम का 18 साल। अच्छा, सिर्फ एक कंपनी में। और ओके लाइफ केयर में कब से हो सर? 15 जुलाई को आया था, 15 जुलाई 2019, अभी 14 महीने हो गए लगभग। 14 महीने मतलब 14 महीना और उधर 15 साल, तो 15 साल का टोटल पे आउट, ये 14 महीने के पे आउट, ये 14 महीना का पे आउट भारी है और 15 साल के पे आउट पर 4 गुना ज्यादा, उनसे 4 गुना ज्यादा है बता रहे हैं। सो नेक्स्ट हम मिलते हैं पारिक सर, प्रतीक पारिक सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप कितने टाइम से हैं करीब? इंडस्ट्री में मैं 6 साल से हूँ, और फर्स्ट कंपनी मेरी एमवे थी, उसके बाद में अखिलेश भैया का सानिध्य मिला था। तो विश्वास मानिए दोस्तों कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम पता लगा था कि इंडस्ट्री में बाहर की कंपनी से भी लोग आते हैं, और लिटरली ओके लाइफ केयर में आने के बाद में मैंने अपनी, मतलब जो मेरा एमएलएम का करियर है मैं उसको बताता हूँ, 6 साल लगभग हम लोगों ने, 6 जिसमें से 4 साल हम लोगों ने एटलीस्ट मान के चलो सीखा है, लेकिन ये 2 साल जो है ना, उन मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ अगर मैं 8 साल भी एमएलएम करता ना तो ये 2 साल उसमें भारी है। आने के रेट में अप्रोक्सीमेट 7 लाख के आसपास का पे आउट हम लोग उठा रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग काम करते हैं, और उस मेहनत के साथ में उस ड्यूरेशन हम लोगों ने काम स्टार्ट करा है जहां पर कि ओके लाइफ केयर को कोई व्यक्ति जानता नहीं था। यहां पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, 8 साल का टोटल एक्सपीरियंस नहीं सर, 6 साल का, 6 साल का टोटल एक्सपीरियंस है सर का, टोटल एमएलएम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, और ओके लाइफ केयर का 2 साल। और उस 6 साल में ये 2 साल का पे आउट कहीं ज्यादा भारी है उन बाकी के सालों पर, कितना पे आउट आपने बाकी पूरे साल में लिए होंगे और यहाँ 2 साल? सर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूं, बिल्कुल दिल से बोलूं, तो मैक्सिमम हम लोगों ने, मेरे कल शायद मैं रिटेलिंग में अच्छा था, लेकिन अगर पे आउट की बात करूं तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज मैंने कमाया होगा अभी तक, मतलब 4 साल में अपने, लेकिन इन 2 सालों में अप्रोक्सीमेट करीबन 70 से 80 लाख रुपए कमा चुका हूँ करंट टाइम में, एक फ्लैट प्लस उसके साथ में 150 गज का प्लॉट अभी हम लोगों ने रिसेंटली परचेज कराया, यानी कि 85 लाख प्लस की प्रॉपर्टी हम लोग परचेज कर चुके हैं, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ओके लाइफ के, दिस इज द मेथोलॉजी, दिस इज द, मतलब मैं उसको बोल सकता हूँ एक आइडियोलॉजी है जो काम कर रही है इस इंडस्ट्री को ड्राइव करने के लिए। तो इस इंडस्ट्री को जो ड्राइव कर रहा है, जैसे कि आज दो चीजें हम बात कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे चल सकती है, यानी कि जो बेस है हमारा, जो बेस आज जो मजबूत हुआ है, आज जो ओके लाइफ केयर हर घर में हर व्यक्ति के सक्सेस के रूप में जो जानी जा रही है, उसका सिंपल और एक ही फॉर्मूला है कि 20% आपकी मेहनत होती है, बाकी 80% डिपेंड करता है कंपनीज क्या वैल्यूज फॉलो कर रही है या नहीं, क्योंकि आज अगर ओके लाइफ केयर वो वैल्यूज फॉलो नहीं कर रही होती तो शायद आज इंटायर इंडिया में हमारे यहाँ 20 लाख प्लस के पे आउट में 3 लोग हैं, 10 लाख पे आउट वाले 9 लोग हैं, और 2 लाख प्लस के पे आउट वाले एटलीस्ट कम से कम 40+ लीडर्स हैं, और 1 लाख प्लस पे 100+ लीडर्स हैं। ये अपने आप में मार्किंग है सर। वंडरफुल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो समझने वाली पॉइंट थी, 4 साल का टोटल पे आउट 50,000 और यहाँ 2 साल का टोटल पे आउट 70 लाख, ये समझने वाली बात जरूर ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ है गिरी सर, हरिओम गिरी सर। अच्छा आप बताओ सर, आप कितने टाइम से एमएलएम में हो? नमस्कार, मैं ऑलमोस्ट 21 ईयर्स से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ, और इस इंडस्ट्री में मैंने सक्सेसफुल करियर जिया है, करोड़ों रुपए की इनकम की है नो डाउट, और एक कंपनी के अंदर लास्ट में 16 साल कंटिन्यू था, और वहाँ पर मेरा हाईएस्ट पे आउट 1 महीने का 2.5 लाख रुपए चल रहा था, और अभी मैंने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट जुलाई 2019 में ओके लाइफ केयर, और यहाँ पर मेरा शुरुआत के 8 महीने के अंदर ही 3 लाख से प्लस का पे आउट था, और अभी जैसे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा और उसके दौरान भी हमने अपने बिजनेस को मेंटेन किया है, और आगे भी तैयारी है, बहुत जल्दी हम लोग 10 लाख प्लस का पे आउट टच करेंगे, उस तरह की तैयारी है। और मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोग, देखने वाले सुनने वाले जो भी लोग हैं, कि ओके लाइफ केयर वो कंपनी है जो कि आपको एक बहुत शानदार करियर, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ में दे सकती है और दे रही है, और सभी लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि अभी कोई भी लोग हैं जो लोग इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, चाहे कोई टॉपर हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं या फिर नए लोग हैं,
इवन पीएम मोदी को भी अगर ज्वाइन करना होना तो यहाँ पे फ्रेश आईडी से ही ज्वाइन होता है। मेरे स्पॉन्सर है अखिलेश जी, इधर है, अभी अभी मिलेंगे, अभी रुको, सस्पेंस, अभी मिलेंगे उनसे। तो मैंने जुलाई 2019 में इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है 21 साल के अंदर, मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज के अंदर कुछ मैनिपुलेशन होना, बहुत सारे लोगों के साथ में मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारे लोगों को एडवांटेज मिलता है एडवांटेज, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप आएंगे तो आप लोगों को जीरो से स्टार्ट करना है, और जो भी आपके अप्लाइंस हैं उनको फॉलो करें, उनकी बातों को माने, सिस्टम को फॉलो करें, आप सभी लोग ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर की पॉइंट, 19 साल का तजुर्बा सर, 21 21 साल का टोटल एक्सपीरियंस, और यहाँ पर 2 साल लगभग, 1 साल, 15 मंथ, 15 महीने ओके लाइफ केयर में, 3 लाख का पे आउट, 3 लाख का पे आउट, 3 लाख का पे आउट 21 साल के एक्सपीरियंस में, कभी नहीं टच किया था मंथली, हाँ उधर हाईएस्ट 2.5 लाख, हाईएस्ट 2.5 लाख गया था, हाईएस्ट 2.5 लाख गया था, 20 साल का टोटल एक्सपीरियंस 21 साल का, और यहाँ पर 8 महीनों में। मैंने जो लैंड वाली बात बोली ना, फर्टाइल लैंड। अच्छा एक बार अभी और लीडर से मैं मिलाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाऊंगा जिनको मिलना शायद आज इंडियन MLM इंडस्ट्री में हजारों लोगों का ड्रीम मिल चुका है, उनसे भी मिलाऊंगा, बट अभी जिनसे भी मिलाने जा रहा हूँ, मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो माफी चाहूंगा सर, मैं भी आपका नाम नहीं जानता हूँ। SC जाडा सर, हेलो लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब गुड मोर अर्निंग। आप कितने टाइम से हैं सर इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में 32 ईयर हो चुका है, माय गॉड, और एक ही कंपनी में 26 साल मैंने दिया, जिसका नाम है PSEL इंडिया, जो आज गवर्नमेंट की कुछ कानूनी की वजह से मामला कोर्ट में है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, मैं यही सलाह दूंगा कि इन्वेस्टमेंट कंपनी, ROI कंपनी, यानी कुल मिलाकर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 2 साल, 3 साल में डबल देने वाली जितनी भी कंपनी आ रही है मार्केट में इस समय, ROI के रूप में, टिक के रूप में, मछली के रूप में, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें ज्वाइन ना करें। असली कंपनी जो आज भारत में जन्म ले चुकी है, जिसका नाम है OkLifeCare, 25 साल में, क्योंकि 4 टाइप की कंपनियां मार्केट में हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, दूसरा ROI प्लान होता है, तीसरा होता है बाइनरी प्लान, चौथा होता है जनरेशन प्लान। सबसे चीप एंड बेस्ट जनरेशन प्लान है, जो 25 साल से हमारे देश में चल रहा था, एज ए स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में जनरेशन प्लान कंपनियां हैं, लेकिन 25 साल में कोई भी एक भी कंपनी ऐसा हमारे देश को नहीं मिला जो हमारे देश में एक पॉजिटिव रूप देता। आज भी नेगेटिव रूप है मार्केट में, लेकिन OkLifeCare ने जन्म ले चुका है पॉजिटिव रूप के रूप में, क्योंकि किसी भी कंपनी में, जितनी भी जनरेशन प्लान कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी के स्टार्टिंग के 5 साल के पीरियड में आपका 5 लाख मंथली का इनकम नहीं हुआ, जो OkLife ने 4 साल के पहले ही 40 लाख मंथली का रूप दे चुका है। आप कितने टाइम से हैं सर OkLifeCare में? मैं OkLife से February 2019 से हूँ। अच्छा, और लगभग 2 साल मेरा होने जा रहा है, और आज की डेट में 2.5 लाख प्लस मेरा इनकम है। 2 साल में 2.5 लाख प्लस इनकम है। पहले कभी गया था सर? अच्छा, पहले आप उस तरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह में रह चुके हैं, जो कि खास आप कह रहे हैं इस तरह की किसी कंपनी में ना जाए। अच्छा, अब मैं आपको बनारस के एक ऐसे भैया से मिलाने जा रहा हूँ जो इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कितने लोग होंगे सर इस पे आउट पे, हार्डली 2 से 3, 4 लोग, 42 लाख रुपए पर मंथ का पे आउट इंडस्ट्री में, हार्डली 2 से 3, चलो छोड़ो बढ़ा लो 5 कर लो, अरे और बढ़ा लो 10 कर लो, मैक्स टू मैक्स 10 इस तरह के पे आउट, मतलब हिंदुस्तान में MLM इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ऐसे बनारसी भैया से मिलाने जा रहा हूँ जिनका 42 लाख रुपए का मंथली पे आउट। अच्छा, ये पे आउट ध्यान देना बढ़ता है, 42 से पहले पिछले महीने 39 था, 39 से पहले 36-37 था, उससे पहले 30 था, उससे पहले 28 था, उससे पहले 22 था, तो आप ये वीडियो जब देख रहे हो तो हो सकता है 42 ना हो, या 50 क्रॉस कर चुका हो, या फिर ज़्यादा लेट कर रहे हो तो हो सकता है क्या पता करोड़ क्रॉस कर चुका हो। तो चलो मिलाता हूँ इनसे, ही इज़ नन अदर देन अखिलेश सिंह। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी सागर जी जैसे सभी लीडरों से मिलवा रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा सर्दी लग गई है, ओके, मिलवा रहे हैं, पर देखिए दोस्तों ये है कि मार्केट में कंपनियां बहुत सारी हैं, 6 साल लगभग मेरा भी एक्सपीरियंस है, वर्किंग बात करूँ तो 6 साल मैंने कमाया है, 2.5 करोड़ मैंने कमाया था 6 साल में, लेकिन यहाँ पौने 3 करोड़ हो चुका है 2 साल में, टोटल इनकम की बात करूँ तो मंथली 42 लाख पार कर चुका है। तो सॉरी, बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि
जैसे हर मोहल्ले में हर एरिया में हर सिटी में जहाँ से आप बिलोंग करते हो, अब देखो कि 3 से 5 साल में कोई न कोई नया चेहरा, कोई न कोई नया लड़का ऐसा आएगा जो एज ए लीडर बन के उभर जाता है, पुराने लोग बस गाली बजाते रह जाते हैं, यानी पुराने जो लीडर हैं तथाकथित वो लीडर रह जाते हैं और नया कोई लड़का निकलता है सारे बेंचमार्क तोड़ देता है, राइट। थैंक यू भाई साहब। एग्जैक्टली ऐसे ही हर दशक में परिवर्तन हुए हैं, हर दशक में छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, कई बार बड़ा बन जाती है, और वही वो दशक है जिसमें ओके लाइफ बड़ी हो रही है, और उसी बड़ी होने के प्रक्रिया में आपको ये वीडियोस मिल रहे हैं। ट्रस्ट तो दोस्त आपको करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बताऊँ, आप कंपनी की ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होने के 4-5 महीने के अंदर में नोटबंदी आ गई थी। नोटबंदी ऐसे है कि मार्केट से पैसा गायब हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, ये कंपनी टिकी रही। कंपनी खड़ी हुई, साल भर चली, तब तक जीएसटी आ गई। जीएसटी जब आई तो फिर से बहुत सारी कंपनियां साफ हो गई, फिर भी ये टिके रह गए, और दोस्तों जीएसटी ये झेल ले गए। और जीएसटी जैसे ही आई, एक साल बीता, फिर से एक चीज आ गई, वो है क्या, अब कोरोना का लॉकडाउन, और यहां पे इनका बिजनेस 10 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ महीने चला गया। अब दोस्तों आप अनुमान लगाओ कि यदि कोई 3 साल पुरानी कंपनी, मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूं कि ये सारी कुछ चीजें 3 साल में जब कंपनी थी तब हो चुकी थी, 3 साल पुरानी कंपनी थी, जीएसटी झेल चुकी हो, नोटबंदी झेल चुकी हो, साथ में झेल चुकी हो क्या आपकी कोरोना का लॉकडाउन, क्या बचा भी आपको समझने के लिए कि इस कंपनी में कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो इसे विजुलाइज करने का टाइम है। आप जहां भी हैं, जैसे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी न किसी लीडर को सर्च करो, ओके लाइफ लीडर को सर्च करो और बिल्ड करो कैरियर। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शिमला के अंदर जहाँ ये वीडियो शूट हो रही है, 2 लाख प्लस वालों को इनकम को यहाँ बुलाया गया था, और ये बुलाया गया था ये बताने के लिए कि 2 लाख वालों को 10 लाख कैसे हम लेके जाएंगे जुलाई तक, यानी अगले 8 महीने में कंपनी यदि प्लान कर रही हो 2 से 10 लाख यानी 5 गुना इनकम बढ़ाने की, तो मेरा आपसे दोस्त मैसेज है कि आज या 2 लाख वाले 4 लाख भी पहुँच जाए ना तो ज्वाइन कर लो, जब वो 4 से 10 पहुँचेंगे तो आपकी इनकम 1-2 लाख तो होगी पक्का ही है, राइट। तो ये टाइम है आपको डिसीजन लेने का। थैंक यू सो मच अगेन, हैंड ओवर टू सागर जी। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच अखिलेश सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी कुछ और मुझे दिख गए हैं जो लेट आए हैं, तो चलो उनसे भी मिला देते हैं आपको। सो, अभी जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ वो वही शख्स वो है जिन्होंने मुझे ओके लाइफ केयर का रास्ता दिखाया, और तकरीबन 1.5 साल तक मैंने इनको इग्नोर किया, इनका फ़ोन नहीं उठाया, इनके व्हाट्सएप के रिप्लाई नहीं देते था। सो, 1.5 साल तक फॉलोअप क्या होता है ये हम लोग सिखाते हैं, करते हैं, बट ट्रू फॉलोअप का लाइफ टेस्टिमनी मैं पूरी टीम में एग्जांपल देता हूँ, कोई इनसे सीखे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, अभी नाम भी बताता हूँ, मिलाता भी हूँ, सच में फॉलोअप क्या होता है, कैसे होता है, इनसे सीखे। क्योंकि 1.5 साल तक मेरे जैसे आदमी जो इतना इग्नोर कर रहा हो फिर भी नहीं छोड़ा, और एक बार इन्होंने 1.5 साल पहले मुझे प्लान बता दिया था, उस वक्त मेरे समझ में नहीं आया, नहीं किया, 1.5 साल बाद दोबारा बैठे, तब ऐसा क्या हो गया जो मुझे समझ में आ गया, फॉलोअप की पावर है। अच्छा, इनसे मैं मिलाता हूँ, इनका नाम है मनीष शर्मा, हेयर इज हेलो एवरीवन। अच्छा, पे आउट बता देता हूँ, पे आउट इनका पिछले महीने क्या था सर, 12 लाख प्लस, और इनको ओके लाइफ केयर में हो गया है 2 साल। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, ओके लाइफ केयर इनकी पहली कंपनी। अच्छा, पहली कंपनी कैसे, ये इससे पहले एक और कंपनी में थे लेकिन उसमें सिर्फ 2 महीने रहे थे, तो आप मान सकते हो ओके लाइफ केयर पहली कंपनी, 2 साल में 12 लाख प्लस इनकम। आइए जरा इनसे सुनते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, आज 12 लाख प्लस की इनकम मेरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, मेरे लिए मेरा वो इमोशनल ड्रीम था कि मैं लाइफ में कुछ ऐसे मेरे साथ मोमेंट्स हुए हैं कि मैं लाइफ में हमेशा सोचता था कि यार मर्सिडीज कैसे आएगी, मतलब जो लग्जरी लाइफ चाहिए थी मुझे, फॉरेन ट्रिप्स बहुत मारने हैं मेरे, मुझे समुद्र की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, मुझे डाइविंग का शौक है, मैं एक बार डाइविंग करके आया तो मेरा ये था कि 15-15 दिन का मुझे छुट्टी मारनी है, अंडमान जाना है, स्पेन जाना है, अदर ऑस्ट्रेलिया जाके डाइविंग मारनी है, तो ये जो मेरा ड्रीम है ये कैसे पूरा होगा। मैं रियल एस्टेट में था, ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, मैं 1-1.5 लाख रुपये का महीने का आदमी था, 7 साल का मेरा करियर था, मेरा पूरा 14 साल का करियर जो है इंश्योरेंस बैंकिंग रियल एस्टेट का है। लेकिन जब आपका ड्रीम होता है ना बड़ा, और जब आप सोचते हो, मतलब आप सपोज करो आपके पास एक मर्सिडीज कार है, अब आपको उसको दौड़ाना है तो प्लेटफॉर्म चाहिए दौड़ाने के लिए, कच्ची सड़कों पर आप दौड़ा नहीं सकते, तो वैसे ही मेरा ड्रीम इतना बड़ा था कि जो लाइफ में चाहिए वो आज मैं जो कर रहा हूँ उससे कर नहीं पाऊँगा। तो ऐसा क्या है, कुछ मिलता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव था, समझ में नहीं आता था, हुआ लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आया, समझा ढंग से समझा, 2 महीने के लिए अखिलेश सर के साथ मैंने ज्वाइन किया, तो प्रोइंग में तो कुछ इश्यूज हुए तो प्रोइंग क्यूट किए, 2 महीना सर मैं प्रोइंग में था, ओके लाइफ में आए,
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैं आपको बाई हार्ट ये बात बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मेरा ड्रीम बड़ा था, मेरा इमोशनल ड्रीम, आग थी अंदर कि वो अचीवमेंट चाहिए। अब जब चाहिए तो सीखने की ललक थी, ये था कि टिकना पड़ेगा। आज अगर सोचा है ये चीज़ चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है, सीख रहे हैं, एक फ्रेशर की तरह सीखना शुरू किया, एक साल डेढ़ साल की कड़ी मेहनत, अच्छे लोग मेरे साथ आए। इत्तेफाक से मेरी एक लेग बहुत अच्छी थी, एक लेग थोड़ी वीक थी, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की महीने की इनकम के नाम है। फिर धीरे धीरे बड़ी लीडरशिप मेरे साथ आई और आज की डेट में आप समझ लो 12 लाख के प्लस ऊपर मैं इनकम हूँ। एक साल बाद भी मेरी कंपनी में इनकम 18 हज़ार थी। ये आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं ना, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। ये मत सोचिए कंपनी आपके ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर लिए हैं तो कोई जिंद का चिराग मिल गया, रगड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा 2-4 महीने में। दिक्कत यही होती है 50-50 हज़ार की जो मैचिंग आप करते हैं ना, उससे आपको एक इनकम आती है। आप उस इनकम को ये मत मानिए कि वो आपकी सर्वाइवल इनकम भी नहीं होगी। मैं सच बता रहा हूँ, 10 हज़ार रुपये, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, 11 हज़ार का पेआउट आपको आएगा, वो तो आप छोटी मोटी जॉब में भी कमा लेंगे। कुछ बड़ा सोच के आप आते हैं, आपको टिकना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर आपको डेवलप करना होगा। वंडरफुल, ठीक है। तो जब आप टिकेंगे, हो सकता है आप 6 महीने में सफल हो जाए, हो सकता है आप 1 साल में सफल हो जाए। मेरे सामने मेरा पेआउट 40 से 50 हज़ार रुपये का था, मेरे साथ जो लीडर्स ज्वाइन किए थे, मैं चूंकि फ्रेशर था मेरे पास मार्केट नहीं था, मैंने आप बिलीव करिएगा, मैंने अपने मेरे घर में बर्तन धोने वाली आती थी ना, जिसको मैं 1000 रुपये महीना 1500 रुपये महीना देता हूँ बर्तन धोने का, झाड़ू पोछे का, मैं उसको भी प्लान दिखा चुका हूँ। मैं अपने गार्ड को प्लान दिखा चुका हूँ, जो सोसाइटी में मेरा गार्ड है। मैं हर छोटे आदमी को प्लान दिखाऊँ, हर बड़े आदमी को प्लान दिखाऊँ, इस आशा में कि कोई ना कोई आएगा, कुछ बड़ा करेगा और मैं भी बड़ा बनूंगा। इसलिए मैं टिका रहा सिस्टम में, आज किया और आज की डेट में लगभग 13 लाख का पेआउट मैं उठा रहा हूँ। आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनको मैं वैसे हम लोग मजाक में हमेशा कहते हैं कि मनीष सर आपने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। अच्छा, बहुत गलत सच में, वैसे इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। गलत ऐसे किया है कि हम इनको कहते हैं कि हमें जब ओके लाइफ केयर में आपको लाना ही था, 4-5 महीने और पहले ले आते, टीम का और भला हो जाता, और मोटा पे आउट, इतना लेट क्यों आए? नहीं समझ रहे ना, 5-6 महीने पहले और ले आते, फॉलोअप कर ही रहे थे, और ढंग से फॉलोअप कर लेते, 5-6 महीने पहले आते तो थोड़ा और कमाते, पूरी टीम कमाती। सो चलिए, अभी एक लीडर से आपको मैं और मिलाने जा रहा हूँ। ये हमारे बीच 8 महीने से हैं और हमारे साथ मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और कॉरपोरेट में एक ऐसी आईटी कंपनी में ये जॉब करते थे, कर रहे हैं, बेसिकली रिज़ाइन दे चुके हैं, नोटिस पीरियड में हैं और यही इनका लास्ट महीना है। और कॉरपोरेट में 15 साल, कंपनी का नाम नहीं ले सकता मैं, जॉब में एक ऐसी कंपनी जहां पर बीटेक एमटेक करने के बाद जब स्टूडेंट अपने कॉलेज से निकलता है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस से निकलता है, तो उन जैसी कंपनियों में काम करना, नौकरी करना उसका ड्रीम होता है, उसका सपना होता है, ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाए। ये जिनसे मैं आपको मिला रहा हूँ, ये उस कंपनी में 15 साल इन्होंने जॉब किया है और सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर थे। सीनियर मैनेजर समझते हैं ना, कितने लोग इनके अंडर में इनको रिपोर्ट करते थे, ये उस पोजीशन पे हैं। और ये महीना आखिरी महीना इनका, रिज़ाइन दे चुके हैं। अब सोच के देखो, उस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, 15 साल सीनियर मैनेजर, इनकी सैलरी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अज्यूम कर लो। और ये ओके लाइफ केयर में 8 महीने में ये अचीवमेंट हो चुकी है। क्या क्या पे उठा रहा है सर? 2,80,000, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 था हाईएस्ट, 2,40,000 8 महीने के अंदर जॉब रिजाइन। सो ही इज नन अदर देन रितेश केशरवानी सर। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग लीडर से आप मुलाकात किए और वाकई ये जो इंडस्ट्री है जिस शेपअप में आज इंडिया आ रही है, ये हम सभी को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंडिया में और वर्ल्ड मार्केट को अगर आप कंपेयर करोगे तो हिंदुस्तान में आज की डेट में पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खाली है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से इंडस्ट्री भारत में डेवलप कर रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है और कम समय के लिए होती है। अभी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है कि कितनी जल्दी आप इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी से मुलाकात हो रही होगी, कोई ना कोई आपके दरवाजे पर रोज़ आ रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने के लिए। सीरियसली उसको समय दीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली कर क्या रही है,
क्योंकि जो कॉन्सेप्ट और जो अजम्पशन लेके आप शायद कैरी कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, मे बी वो सही नहीं है आज के दौर में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ हो रहा है, लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं। आज हम सभी अपने अपने ड्रीम्स पे आउट पे हैं और जरा सोच के देखिए आने वाले 2 साल के बाद क्या होगा, आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा। तो क्या आप 10 साल बाद लेट ज्वाइन करना चाहते हैं या आज ज्वाइन करके उस लीग में आना चाहते हैं जहां पर हम पहुंचने वाले हैं? वंडरफुल। अच्छा एक बात और बता दूं, ये हमारे ही साथ लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में थे, इनका टोटल MLM एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कितने साल थे सर उसमें? 2.5 साल। 2.5 साल वहाँ थे और यहाँ 8 महीने से हैं, तो लगभग 3 साल हो गया। 3.5 साल में जितना 2.5 साल में टोटल पे आउट इनका वहाँ पे ना रहा होगा, उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मंथ ओके लाइफ केयर में कमा रहे हैं पर मंथ। सो एक बार फिर से मैं वही बात रिपीट करता हूँ सर, बीज अगर सही फर्टाइल लैंड, सही उपजाऊ जमीन पर पड़ जाए ना सर, बहुत कम मेहनत में भी जीवना हर वो बीज ना हरा भरा होकर के पेड़ बन जाता है। सो ओके लाइफ केयर आज वो फर्टाइल लैंड है, आज वो उपजाऊ जमीन है जिस पर कोई भी बीज पड़ता है उसके पेड़ बनने की संभावना पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। लोग कहते हैं ओके लाइफ केयर में फेलियर्स ज्वाइन करते हैं, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है। एक ऐसी कंपनी जहाँ जो अच्छे अच्छे कंपनियों में नहीं कमा पाया बंदा, वो ओके लाइफ केयर में आकर के कमा जाता है, तो आपको नहीं लगता एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठ रहा है? वो हर लैंड पर घूम करके आ गया, नहीं कमा पाया, ओके लाइफ केयर के लैंड पे आता है और वो लाखों रुपए 6 लाख 7 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है। व्हाट डज इट मीन? आप भी शायद हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो या नहीं स्ट्रगल कर रहे हो या देख रहे हो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, ओके लाइफ केयर इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। रितेश सर और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, जो सर ने बात करी फर्टाइल लैंड की बात करी, पिछले कंपनी की बात करी, पिछले कंपनी मेरा हाईएस्ट पे आउट था 44,000 रुपीज़ और 2.5 साल लगाए मैंने, 2.5 साल में 44,000। आप जरा सोच के देखो 8 महीनों के अंदर 2,40,000 का हाईएस्ट पे आउट कार अचीवर। आप जरा सोचो, ये वाकई जो सर ने अभी जस्ट बोला है कि जो फर्टाइल लैंड की जो बात कर रहे हैं, कोई सा भी बीच पर सप्ताह है दोस्त, तो आप तो बिल्कुल डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। बिलीफ के साथ आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए डायरेक्ट सेलिंग जितनी जल्दी हो सके। ओके लाइफ केयर इज द प्लेटफॉर्म दैट यू आर लुकिंग फॉर, ज्वाइन फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में आपको बता दूं, इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लीडर से मिल रहा हूं, हम इस वक्त शिमला में हैं और यहां पर 5-स्टार होटल नाम भूल गया मैं क्या नाम है होटल का, डिवेंचर हिल 5-स्टार होटल। और यहाँ पर जिस कॉटेज में हम लोग रुके हुए हैं, ऑल कंपनी स्पॉन्सर्ड, इस वर्थ 1 नाइट का कॉटेज का कॉस्ट है 30,000। और जितने भी लीडर हैं सभी को कंपनी ने इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की लग्जरी फैसिलिटी में रुकवाया है। सो सी कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। जस्ट ये कंपनी सिर्फ 4 साल की है सर, कहावत है ना, बच्चे के पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, हाँ बड़ा होकर के बच्चा क्या बनेगा उसकी हरकतें बता देती हैं। ये हरकतें और समझने के लिए और क्या चाहिए, इतने सारे लीडर अपनी जिंदगी में कोई 20 साल कोई 15 साल का एक्सपीरियंस, कोई 17 साल का एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ में जितना नहीं कमाया यहाँ पर मंथ कमा रहा है ओके लाइफ केयर में। सर फर्टाइल लैंड वाली बात भूलना मत, उपजाऊ जमीन में कमजोर बीज भी गया ना, पेड़ बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। ओके लाइफ केयर वही उपजाऊ जमीन, वही फर्टाइल लैंड है। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।